पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। आस में शिक्षा, प्यास में शिक्षा, हर धड़कन हर सांस में शिक्षा, हर बच्चे का अधिकार है, मेरा प्यार है शिक्षा। देता खुद दसवीं फेल बाड़े, शिक्षा के ज्ञान केकरा के बाटा ताड़े। एही से समझावे खातिर आइल बानी। स्कूल के मैडम कहत रहलिया कि तू लोग अपना बच्चा के स्कूले नहीं भेजत, इतना देर से ही लोग समझावत आ, तारा समझे में नहीं के आवत। पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तभी भ्रष्टाचार से लड़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तभी दुश्मन की छाती पे चढ़ेगा इंडिया। भारत माता की जय। राजा भैया जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद। अपना अपना बच्चा के स्कूले भेज दिया लो, आगे से मैडम हमसे शिकायत करी है तो फिर देख लिया लो। बताओ ये लोग के राजा भैया जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद। आस में शिक्षा, सांस में शिक्षा। एक गाना गावल बंद करा ना, तो क्यों के नजर लग जी हमने के प्यार पे, का दिन भर हमारे नाम के माला जपत रहला। का करी, तारा बिना मने ना लागेला हमार। ऐसे हम दिन रात शिक्षा शिक्षा नाम के माला जपत रहनी। अच्छा अब हमरा के जाए दो, लेट होता। फिर कब मिलबू? जब तू चाहबा तब। सब करबा अधिकार, मगर मोर प्यार बस शिक्षा। छोड़ी जाए यहाँ से। का करत हानी? हम जन करत हानी एक रोमांस कहल जाला, रोमांस। अच्छा तो रउआ रोमांस करा चाहता नहीं तो अकेले में करी, हमरा के बहुत काम बा जाए दी। रोमांस अकेले में कहल जाला का? हाँ कहल अकेले में ना, लेकिन अकेला में होला। और बल्लू सुतल बा उठ जाए तब। सुतल बा ता सुते था। अरे दरवाजा खुलल बा। बंद बा। बल्लो भैया, अरे सुत्ता लेके जगवला ना लो, एक स्कूले जाए गए अभी ले सुत्ता ला। चल ना जा, जा। चल जल्दी तैयार हो। ए वार कहां बे, चल 2 मिनट के अंदर जल्दी तैयार होके निकल। छोड़ी हमरा के, अगर दरवाजा बंद रहे तो देवर जी भीतर कैसे आ गए ने? लागत है रउआ हमरा के एक दिन लजोइये के दम ले। तो कहा भाई? ना कुछ ना, छोड़ी। सूद गेले का बे? ए बलुआ। अरे चाचा रुकी ना। निकल जल्दी। अरे चाचा रुकी ना, आवत नहीं ना। चल आओ। नो नो ना, पानी ठंडा बा हम ना नाए। गर्मी में तो के गरम पानी चाहिए। बैठ बैठ। चलो साबुन लगाओ की जरूरत नहीं, क्यों मैं केमिकल होला। आओ चल कपड़ा पहन। नंदू देखो, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर अपनी 12 कंपनियां भेज रहा है। अच्छा वाह, देखा ई पाकिस्तान ससुर कभी नहीं सुधरेगा ना। अरे
समय समय पर ना इसको सर्जिकल स्ट्राइक का डोज देना ही चाहिए। भगवान करे ऐसा मुल्क किसी भी देश को पड़ोसी ना मिले। ए बाबा, हाँ एगो आपन पड़ोसी देश तो चीनो भी बाना। हाँ हाँ? सरवा रह रहा के बदमाशी करत रहेला, ओकरे बारे में राउर का ख्याल बा? चीन के बारे में जी, तुमको मालूम है जब हम फौज में थे और चीन बॉर्डर पे थे तो हम चीनियों को चीनी कम चाय पिला दिए थे। का बात बाबा, वाह। अरे आगे तो सुनो, इली चाय। बेटा शिक्षा पे ध्यान दे, समझला? चल चल चल। अरे राजा बेटा, आए? आरती तो ले ले बेटा। हाँ, प्रसाद ल। ए प्रसाद ले ले बेटा। अरे रे, खुश रहा खुश रहा खुश रहा। चल गोड़ पर गोड़ पर गोड़ पर। दादी जी प्रणाम। हाँ। इधर आओ इधर आओ। का रे, इस शुगर फ्री चाय है, शुगर फ्री। अच्छा दूसरा लेके आओ। तनी दूसरा लेके आओ तनी। भाग, लगता मिस्टेक हो गया। जो भाग। चल दबाओ दबाओ। अरे दबाओ। दादाजी प्रणाम। हाँ खुश रहा बेटा, खुश रहा। गोड़ पर दादाजी प्रणाम। हाँ बेटा खुश रहा खुश रहा। राजा हाँ, संभाल के जाइए। ठीक बा ठीक बा। चल घर का कोई भी छोटा मोटा काम हो ना तो बहाना बना के निकल जाता है, लेकिन बल्लू को स्कूल लेके जाना तो रोज सुबह टाइम पे कभी नहीं भूलता, बराबर ले जाता है। दिल ना लगई अब फिर जानी आई हा, अब जा। अच्छा एक वो बात बता, जब देखा तब ये सैड सॉन्ग कहे गावे ले रे? अरे चाचा तहरे खातिर तो गावता नहीं, जल्दी से सीख ला। काहे कि तहर लक्षण देख के हमरा के लागा था ना कि तहरों के बहुत जल्दी सैड सॉन्ग गावे के पड़ी। चुप करा। उधर बेटा। हाँ जो क्लास में जो। ठीक बा चाचा, बाय बाय। अरे अब जाना। अबे तुझो ना। लेट हो गई। हम जाना था नहीं, तू किकरा के खो जाता रहा। जाना था रे तो पूछत कहाँ है बाड़ी जो। अच्छा ठीक बा, अब तू इंतजार करो, हम जाता नहीं पढ़े जो। गुड मॉर्निंग। यहाँ का होता आओ बलुआ के छोड़े आयल रही और तारा के छेड़े। जनाब ये स्कूल हा और यहाँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होला। अरे तो हम पढ़ाई करे आयल बानी, लव के पढ़ाई। अच्छा अच्छा ठीक बा, ये बताओ बल्लू पढ़ाई ठीक से करता ना, कोनो शिकायत? शिकायत बलुआ से तो नहीं खे, लेकिन ओकर चाचा से जरूर बा। अच्छा ई बतावा हमार कौन शिकायत था? ढेर हीरो मत बना, ई बतावा हमार गिफ्ट कहाँ बा, जल्दी से दो। बल्लू के लगे बा, ले लिया। ठीक बा, लेकिन हाँ तू अभी यहाँ से जा, हमके क्लास में जाए के बा। पक्का पक्का। ठीक बा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बैठो बच्चों। बल्लू जी। मैडम जी। बेटा तोहर चाचा जवन तोहके गिफ्ट देले रहलन वो दे दा। एक
शर्त पर। बबली के बोली कि वो हमरा बेंच पर बैठे। अच्छा बेटा, अभी से गर्लफ्रेंड बनाओ तड़ा। रुको, तो हर पापा से बोला था नहीं, चलो ना 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 मैडम जी, ली ली आई लव यू जान। आई लव यू टू। हम तोरा सामने बानी और तू हमके मोबाइल में देख के चुमा दड़ा। अरे तू यहाँ खेत में क्या करता रू? खेती करे आयल बनी। खेती? हाँ, मोहब्बत के खेती करे आयल बनी हम। अच्छा, तो वो बात जाना तारू, मोहब्बत के खेती करे के बाद पहले दिल जोड़े के पड़ी। आवा रुको ना। ए बेईमान, हम जान लो कता नहीं। अरे हम मुन्ना लाल ट्रैक्टर। अरे मुन्ना, तू कबैला, तहर लक्षण ठीक नहीं खेल लागत। अरे ना, ए उतार, अरे उतार। अरे यार, अब छोड़ा तो ना समझ बासो। ना समझे, खूब समझ में आवता। आदमी के इज्जत बचल रही ना, तो बीच समाज में चार जूता खा के जी ली। मर्दवा तोहरा जैसन बेदीन आदमी के हम खेत ना जोतब। जोतवा लिया के ऊपर से जा। अरे अरे बाप, तो अजीब आदमी बा भाई। का भैया, ई कौन शौक तू पाल लेला मर्दे? का बोली ए गधा, तोहन तोहनो साला उल्टा समझत वासो। वो बात ना रे। अच्छा जा, दूसरा ट्रैक्टर बुला लिया वासो। काम कर सन, चल सन, इंकरा साथे रहल ढेर ठीक ना बा। ना तो जेंडर बदल दियन बा। सर गधा, वेलकम जान। राजा तू ऐजा कहे? हमरा के ऐजा देख के तोके खुशी नहीं के होत? मम्मी पापा देख लिया जा तो बहुत बड़ा बवाल हो जाए। का बवाल हो जाए? अरे होखे वाला दामाद के देख लिया तो का हो जाए? अच्छा ये सब छोड़ा, का फोन में चुम्मा दे के थैंक यू बोला तारू? हम सामने बानी, डायरेक्ट चुम्मा दे के थैंक यू बोला? तो यही खाती ये गिफ्ट दिया गई ला, ताकि तू हमरा से चुम्मा मांग सका। वो तना मिली, लेकिन हाँ, एक गिफ्ट के बदले में कुछ और चाहिए तो बोला। तू हमार दुल्हन बन के हमरा घरे आ जा, उकरा से बड़ गिफ्ट हमरा खातिर कुछ ना हो सकेला। उकरा खातिर हमार मम्मी पापा से तोहरा के हाथ मांगे आए के पड़ी हमरा घरे। बिटिया? हाँ, केकरा से बतियावत रहलू बिटिया? अरे माई, वो फोन में पढ़ाई करत रहनी है। अच्छा अच्छा, ठीक बा, हम खाना निकाला था नी, तू जल्दी से आ जा। ठीक बा। का हो, बिना गाना गईले ही खाना खाइल जाए? संजय ने कहा, आंसुओं से पूर्ण नेत्रों वाले, आंसुओं से पूर्ण नेत्रों वाले अर्जुन के प्रति भगवान मुझसे शादी करो। अरे तोर इहे उम्र में बार पाक गईल, तब तो लोग के समझ में देखे आवत। का का? अरे पापा, पापा हमार ब्याह कराई दा। अरे हम 35 साल के हो गए बानी, आधी उम्र सिंगल ही कट गई। तू तो मैं ब्याह कराओ। अरे तोरे लाये कोनो लड़की मिली तबे ना ब्याह हो की तोर है? अरे माई, अरे पापा, तू लोग कोनो लड़की ढूंढा तो ना, सही ना। पहले शिक्षा की ब्याह हुई तबे ना लड़की ब्याह हुई। अरे दादी, ए दादी, देखा दादी, ई शिक्षा ना हमारा से 10 साल छोट बिया, तो पहले हमार ब्याह होके चाहिए ना। तू नहीं चाहता रू कि तोरा मरे से पहले हमार ब्याह हो जाए? अरे दादी, अरे नलायक, कहे हमारा मतारी के मुंगा उतरे रे है? ठीक बा, एगो लेकी ब्याह हमरा नजर में।
हम बात करब। अरे पापा पापा सही कह रहा ना। हाँ अरे लड़की बिया ना कैसन बिया बतावा। अरे तू तू गुटका खैनी के पुड़िया आऊ ऊ मोम सी गुड़िया। अरे 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 एक मिनट आज तो दरवाजा बंद बना। अरे दरवाजा छोड़ा पहले हमरे लगे आवा आवा ना दरवाजा केहू ना तोड़ पाए चाहे खली आ जाए चाहे बाहुबली आ जाए ऐसन किल्ली लगेले बानी आवा ना। अरे बलुआ करे अभी ले सुतले बाड़े। अरे आज तो सुते आज आज गर्मे की उठ बे। अरे अबे देख हम तैयार हो गए नहीं अभी ते आज आज के लिए बाड़े उठ 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 उठ। अरे अरे आज करे चल। अरे चाचा पर बात तो सुना संडे हो ई कहा रवा कहत रहनी चाहे खल्ली आ जाए चाहे बल्ली आ जाए लेकिन किल्ली ना खुली कैसे खुल गई। बलुआ के स्कूल छोड़े के चक्कर में इतना बेचैन हो गई बा ई किल्ली ना किला तोड़ दे। अगर अपने पढ़ाई खातिर इतना बेचैन भइल रहित ते कहीं कलेक्टर हो गेल होत। अब छोड़ा ई कुल बात आवा ना हमरा के ना एक बचाई। अरे सुनो ना ना कुछ अरे ना सुनो तो रोवा अकेले रही बस। अरे ए रुक जल्दी आ गेल बनी सनकारे क्यों लोग देने के ए भाई साहब। हाँ यहाँ वा बोला का बात बाबिल के वाइल लिखे यहाँ घड़ी बेच के पैसा बचावे के बा एगो दिन बताए वाला घड़ी खरीद ला। ए देश के यह प्रॉब्लम बा जेके देखा उहे ज्ञान बांटे लगेला। हम ज्ञान नहीं की बांटत भैया अगर हम ज्ञानी रहती ना तो यहाँ स्कूल के हेडमास्टर रहती चपरासी ना। और हाँ आज एतवार हा बुझाइल दिमागे में नहीं घुसती करा। अब अरे मतलब अभी तो पिछले हफ्ता आइल रहे एतवार अब फिर आ गई का हुई ये देश के हमरा तो समझे में ना आवेला। काहे अब आ गई बनी जा तो पढ़ू लेबे के। अरे हम कहत रहनी आज संडे हा लेकिन तहरा तो सुने के ही ना रहे पता ना संडे के दिन भी तहरा चैन ना मिलत रहे मैडम जी के बिना। गुस्सा मत होका कोनो बात नहीं की चल आज हम तोरा के आइसक्रीम खिया बतानी। अच्छा हम कोनो नर्सरी क्लास के बच्चा ही का आइसक्रीम खिला के सब भुलवावल चाहता रा। अरे हम सब जाने नी तू हमरा खातिर ना तू शिक्षा मैडम खातिर स्कूल आवेला। और हाँ आपन ही अत्याचार बंद करा और अपन ही प्यार के चक्कर में हमार बचपन और अपन जवानी बर्बाद मत करा। अरे सॉरी भाई बाकी भाषण चल के घरे दे दिया आवा चल बैठा। का हो कहे लौटेला। अरे भैया का बताई अब एकरे पढ़ाई का हमके इतना चिंता हो गई है इतना लोड हो गई है कि हम भुलाए गए नहीं कि आज एतवार है। इतना लोड मतलब हमार चिंता बा कि तारा हूँ मैडम जी के चिंता बा सच सच बताओ सबके। ए कौन मैडम रे। अरे कुछ हो बोलत रहेला कैसन मैडम रे डर बोल रहे तू स्कूल बंद है ना आज हम तो के पढ़ाई चल। अरे तू कौन मास्टर होगा टीचर होगा जो हमके पढ़ाई बा। मास्टर ना आई तो उसे का चल उन्हें इसके पारा सुना। अरे उन्हें इसके पारा छोड़ दे लोड तो और लोड हो गई। ए जी दादाजी से बात करी ना हमारे बहन के ब्याह का ई लोड हम ना उठा पाए। ज्यादा गुस्सा ना कर जाला बेटा लाखा जब तू हमरा उम्र के होखबा ना तब तारा बुझाई अभी चाचा के बात नहीं के बुझात। अच्छा सुन ना तनी अपना मैडमों से बात करना कि तोरा के संडे के ट्यूशन पढ़ाइए का। एक तो हमरा के संडे के स्कूले ले जाता रा ए? और अभी हमरा के संडे के आरामो ना करे देबा ट्यूशन पढ़ाइबा हमरा के। अच्छा ठीक बा चिल्लो मत आराम से खाना खो आराम से चिल्लो मत बाबू ना तो कपार पर गर्मी चढ़ जाए। ली आ का बाबू जी
एक लड़का के मतारी हो गई लो, लेकिन अब ले रोटी बनावे ना आयल तारा। यही से कहा था नी कि ब्याह कर ली। देवर जी हमार छोटकी बहन ना बहुत ही गोल गोल और सुंदर सुंदर रोटी बनावे ली। और बहुत सुंदर सुंदर गरियावे ले भी। देवर जी हम कहा था नी कि बहुत ही भाग्यशाली होए जेकरा संगे हमार छोटकी बहन के ब्याह हुई। जानो दारू हमरा कोनो दिक्कत नहीं है। हम तो एकरा दिक्कत के बारे में सोचे था नी। आज ले लड़का चाचा कहले बा, अब एकरा के मौसा कहे के पड़ी। अच्छा लगी करे? अरे तू चाचे ठीक बाड़ा, चाचा बाड़ा तो हमरा के त्वारो के स्कूल ले जाके पढ़ावत बाड़ा, और मौसा बन जाई बत तू तो हमार जाने ले लेबा। तू चाचे ठीक बाड़ा, मौसा मत बना। ज्यादा बोल बे। ए भौजी लिया बा, जा जा रोटी लिया बा। बार बेटा हम का सोचे था जाना था रे, तोर चाची ऐसा ले आए कि सारे तो के स्कूल हूं ना जाए के पड़े, घर ही में तोर पढ़ाई हो। ले नंदू तुमको मालूम है ये बंदूक हमको कब मिली थी? अरे जब मैं फौज में था ना, एकरा सरकार हमको इनाम में दिया था, लेकिन आज है राजा। का बाबा? बात सुनो, वो हमारे दोस्त राम नारायण जी है ना, उनकी पोती को लड़के वाले देखने आने वाले हैं। बेटा अपने घर का कोई सदस्य वहाँ रहना चाहिए, हर काम काज में हमारे पास आते हैं, हमारी मदद करते हैं, तुम वहाँ चले जाओ। कब बाबा? अरे आज और कब? बाबा हमारे पास टाइम नहीं के, अगर हम वहाँ जाए तो यहाँ बलुआ की पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो जाए। तोरा के बलुआ की पढ़ाई लिखाई की चिंता करने की जरूरत नहीं खे, ये है ना तुम्हारे पिताजी, वो बल्लू छोड़ देंगे स्कूल। और सुनो, हमने उनको जुबान दिया है तो जाना पड़ेगा, तुम क्या, तुम्हारा बाप भी जाएगा। बाबूजी हम कैसे जा सकेला, हमारा खेत में खाद छिटवावे के ना बा। अच्छा इनके पास टाइम नहीं है और तुमको खाद छिटवाना है, तो मैं नंदू को भेज दूंगा। हाँ ये ठीक रही, इन्हें ही भेज दो। हे नंदू। जी बाबा। बोला राम नारायण जी है ना, तुम उनके घर चले जाओ। हेलो राजा। अरे बताओ ना फोन कहाँ गई लुआ? आज हम बहुत खुश बानी, भैया खाती के लेके देखे जाता नहीं जा। अच्छा कहाँ? अरे बरियारपुर में। बरियारपुर? बरियारपुर में किकरे यहाँ? राम नारायण जी के घर है। का बात करता रू? अरे वो तो हमारे दादाजी के दोस्त हमें। का बात करता तब फिर राजा? चला ठीक बा, आवा हम वहाँ तो हर दिल बिछा के इंतजार करता नहीं। बाबा जी हम जाए खातिर तैयार बानी। अरे तैसे जाओगे? पैसा तो ले लो। हाँ ये लो। बाबा 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 एक मिनट दो, पैसा दो। आए बाबा। हाँ वो हमके वो विचार ही आयला। हाँ हाँ राम नारायण जी तुहार दोस्त हुआ। हाँ तब भूमि हमरो तो दोस्त थे। अरे वाह, अब हमारे दोस्त के लड़का वाले देखे आवत हुआ तो हमके चाहिए की चाहिए। बहुत अच्छा, इनके राय दा हम ही चल जाते। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। ठीक ठीक, खुश रहो खुश रहो। अरे सुनी ना जी, कबले मेहमान आई हन? काहे परेशान हो, 2 बजे तक तो आवे कहला ही रहना। 2 बजे टाइम न लगल आवे में। भोजेंद्र को भेज कर खाने पीने का सामान मंगवा लो। रवा चिंता न करी बाबूजी, और सब इंतजाम हो गई बा। अच्छा ला आ गए राजा बाबू। नमस्ते दादाजी। खुश रहो। नमस्ते जिया जिया जिया। खुश रहो। बैठो बेटा बैठो। बैठा घर में सब लोग ठीक है ना? यार एकदम ठीक बने। कहा राजा कब आया तू? अभी आई नहीं। और बेटा तुम अकेले आए, साथ में कोई नहीं आया? सब लोग ब्याह में आई, दादाजी अभी हमके भेज ले। अच्छा अच्छा, और प्रभु कैसा है? एकदम ठीक बने, और रात दिन आपे के किस्सा सुनावत रहे। अरे अरे पापा, ओहो कितना टाइम लगा हुआ तारा, वो लोग वहाँ इंतजार कर रहा था और तू लोग यहाँ देर पे देर कर तारा, जल्दी जाना। अरे धीरज धर्म जा तो बानी जा तो जाना। अब पापा 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 अब कब भैया कुछ बाकी बाई कर। एक बात कान खोल के सुन ला, अगर दहेज की वजह से हमार शादी टूटल तो समझ ला हमारा जिंदगी से नाता छुटल। अच्छा ये बताओ, अगर वो तहरा के छाट दे लगता हमरा के केहू छाट सकेला? बिल्कुल ना, एकदम अच्छा बड़ा तू तो। हमरा के केहू छाट नहीं कर सकत, तू सुना मुंह बंद करके जा और लड़की के पसंद करा। हाँ और पापा मम्मी। हाँ बेटा। साई टाइम सब कुछ फिक्स करके आई। ठीक बा बेटा। और बिना फिक्स किए आइया मत बुढ़ो। अरे ठीक बा तू जाके दादी के ध्यान रखा। चला, चला हो। सुन ले है कि जीजा जी सलमान खान के बहुत बड़ा फैन हवे,
कहता कसम खैले हवे कि जब ले सलमान खान ब्याह न करी है तब तक ऊहो न करी है। बड़ी भाग्यशाली बाड़ी भूमि जी शादी खातिर उ लड़का तैयार हो गई। भाग्यशाली भूमि ना भाग्यशाली उ लड़का हवे जी हमनी के भूमि जैसन लड़की मिलल उनका के। अरे हमनी की भूमि कोनो हीरोइन से कम बाड़ी का। हमी लड़का रहती तो इनका से शादी कर लेती। अरे तुम्हें लड़का होके का जरूरत बा, अब ये कर ला। आजकल तो लड़की लड़की आपस में कर तारी सब। ठीक बा भूमि, ठीक बा भूमि, राजा से बात करा। हम भी आवत चले यही जा। चल चल कारे बनर, तोरा के अब टाइम मिलत बा आवे के? अरे बनरी उ तोरा के देखे आवत आना सन, हमारा के ना। ठीक बा, तो तोरो बियाह होई तब हम बताई। का बताईबी? अरे तबले तो तू दो चार लड़का के मतारी हो जेबी। राजा, हे राजा, ला तू ऐसा मस्ती मजाक में लागल पड़ा, वैसा लड़किया वाले पहुंचे वाला बड़े। चला चलो चलो चलो। अच्छा सुन, सुन ली है कि लड़कवा अपना गांव के सलमान खान बा, तो तहूं तनी कटरीना कैफ बने के तैयारी कर, और हाँ तनी भोजन कम उठावल कर। भगवे की ना यहाँ से ला दे ले। अरे लड़की एकदम ठीक बेतारा पसंद आ जाएगी। आने में रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ना कोई दिक्कत ना। नमस्ते बाबू जी, बैठिए। हाँ प्रणाम। प्रणाम। कुछ खाए पी की व्यवस्था कर? अरे बेटा तनी चाय नाश्ता की व्यवस्था करा। जी मैं जी। हाँ बाबू जी, हम अपन होखे वाला भौजाई के देख के आवता नहीं। ना जा भाई मिल के आओ, जा। ठीक बा। जा भाई जा। सब एक्सक्यूज मी, आपको पता है मेरी होने वाली भौजाई कहाँ है? हाँ, मिलवाइए देखी। हाँ भाई साहब, घर पे सब कुशल मंगल बा? सब कुशल मंगल, भगवान की कृपा बा सब। ई देखा, ई है त्वार ओखे वाली भौजाई। नमस्ते। बस बस, ढेर फॉर्मल ओकला की जरूरत नहीं खे, हम तो त्वार ओखे वाला छोट ननद बानी। वैसे बहुत खूबसूरत बाड़ू तू, हमरा के तो पसंद बाड़ू, मतलब हमार पूरा परिवार के भी पसंद है वो। अच्छा ये बतावा, तोहरा काका बनावे आवेला? अरे ये पूछा कि इनके काका ना बनावे आवेला? उल्लू गधा बेवकूफ। मजाक कर दानी, हमार भूमि सर्व गुण संपन्न बाड़ी। मेहमान लोग इंतजार करे तानी, चला बिटिया। जी तो के काका बनावे वाला तोहरा निखे मालूम? हटो। सुरेश बाबू, ये हमार बेटी भूमि है। प्रणाम। रउआ लोगन के हमार बिटिया से जौन पूछे के बा पूछ ली। हाँ सुरेश बाबू, हमने के तो तुहार बेटा बहुत पसंद बा, अगर आपो हमारी बिटिया के पसंद कर ली तब बात आगे बढ़ावल जाए। सब कुछ क्लियर कर लो। हाँ कहो, तारा पसंद बड़ी कि ना? हाँ जी, हमके तो बहुत पसंद भी आ। नीमन भी है। हम सब के लड़की बहुत ही पसंद भी आ। भगवान का शुक्र है। अब बहू भूमि को अंदर लेकर जाओ। हाँ। चला बेटिया, चला। पसंद आई? पसंद भी आ। हाँ। हाँ। नमस्ते नीरज भैया। नमस्ते आवा आवा। नमस्ते, का हाल बा? बस ठीक बा भैया, अपन सुनाई। अरे कोनो जुगाड़ उगाड़ बैठल के ही तरह कुमारे कब ले घूमबा? ए भैया, ब्याह खातिर कोनो नीमन लड़की चाहिए, उमिली तबे ना ब्याह होई। ला दूध पी ला। ए एगो लड़की तोरा लायक ब्याह यार। अरे कहां भैया, जल्दी से सेटिंग करी। हाँ नैना के छोट बहन पायल। हाँ हमार ससुर जी भी परेशान बाड़न, उनका खातिर लड़का खोज रहल बाड़न। ए भैया, हमनी तो कभी से परेशान रहनी नीक लड़की के तलाश में, अगर ऐसा हो जाए तो हमनी के दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। ऐसा बा? हाँ कि हमार ससुर जी हमार बात ना कटिहन। हाँ एके ब्याह के ठीक है समझा, तय समझा। अरे भैया बहुत खुशी भाई। पापा होमवर्क हो गई। ठीक बा बेटा, मन लगा के खूब पढ़ा। वाह बेटा, कौन क्लास में पढ़ा तारा? चाचा
अभी हम चौथी में पढ़े नी, अगले साल हम पांचवी में जाए। ये तो बहुत बढ़िया बात बा। लेकिन सुना बेटा, अब से हमरा तू चाचा ने मौसा कहल करी है, कहे कि तुहार मौसी से हमार ब्याह होके वाला बा। ठीक बा मौसा। मौसा कहला के जरूरत नहीं खे, चाचे ठीक बाड़े। कहे भौजी, हम कुछ गलत कह देनी का? बात ऊ बाना कि हम रउआ के साथे अपन बहन के ब्याह ना करवा सकेनी। भौजी, हमरा में कोनो दोष बा? ए भौजी, हम दहेज में एक रुपया ना मांगे। दहेज का कोनो बात नहीं के, हम अपन बहन के ब्याह अपने देवर के साथे करावे के सोचले बानी, और ये बात हम अपने माई बाबू से भी कहले बानी। ठीक बा भौजी, हम चला था। हाँ, हाँ। नमस्ते भैया। अरे रुकी ना, हम पानी लेके आवत बानी। ना भौजी, हमार पेट भर गई बा, चला तने। ठीक बा मौसा, बाय। अरे बाबा बेटा। ठीक बा चाचा, बाय। बड़ा आइल बाड़िन भी आकर आवे। तू जिद मत कैल करा, तू तनिको चिंता ना करा। अरे कैसे चिंता ना करूं। प्रणाम दादाजी। कहाँ जा रहे हो? देखिए ना दादाजी, राजा आजे आइले और आजे जाए के कहा तड़े। हाँ क्यों? अरे दादाजी, अब यहाँ तो सब हो ही गए ना, फिर भी आगे दिन आई बम। तुम अभी कहीं नहीं जा सकते, इस घर में तमाम काम पड़ा हुआ है और जाने की बात कर रहे हो। हाँ सब कुछ ठीक रहा ना तो कल ही भूमि का छेका हो जाएगा, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारे दादा से मैं बात कर लूंगा। राजा बेटा, अब तुहरा के रुका ही को पड़ी। ठीक बा दादाजी, अब भूमि के घर से विदा उखला के बादे हम जाएंगे। प्रणाम। पंडित जी के भी गोड़ लगा। प्रणाम। जीते रहो। प्रणाम। आपको भी प्रणाम। आवे में कोनो दिक्कत तो ना हुई लगा? अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, अब तो सारे रास्ते ठीक हो गए हैं। हाँ बाबूजी, चकचका गिल बा, अब कोहे के बड़ुए। वैसे सच कहूं तो यहाँ की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सब चीजें अब ठीक हो गई। इजे रखा। हाँ जी भाई जी, एको बात बताई जी, लड़का कोनो नशा वसा तो ना करेला ना? अरे ना ना भैया, हमार लड़का कोनो नशा ना करेला। बस समझी जी, ईश्वर की कृपा ऐसे ही बनी रहे तो सारा काम ठीक होगा। दादी, वो लड़का के बा? अरे अपन बहुरिया के रिश्तेदार बा। लड़का तो बहुते सुंदर बा, आपन शिक्षा के ब्याह के बाद चलाई का? ठीक बात कहलू बहु, सुरेंदर के ब्याह हो जाए द, ओकर बाद बात करब। अरे राजा, कहाँ रहला? काल उनके देख के आ गईला? नहीं, अभी वही जबानी। काहे इतना ज्यादा पकावेला, बतावे ना ओइजा का भइल? अच्छा, वहां एगो लड़की भइल है और एगो लड़का भइल, आ जब तू वहां जइहे ना तो ओकनी के नाम रख दिए। इतना फालतू सवाल काहे पूछे तारी? अरे सब फाइनल हो गेला। और लड़का कैसन बा? सब प्रभु की लीला बा, लंगूर के हाथ में अंगूर। मतलब यह हम सोचा था नी कि तोरा जैसन खरखटही लड़की के ऐसन हीरो जैसन लड़का कैसे मिल गई, ये समझ में नहीं क्या आवे। कुत्ता कहीं का। अच्छा तो लेन देन के बारे में कुछ कहना हो तो साफ साफ बोलिए। पापा एक बात का ध्यान रखिया, ओलो के सामने कौनो भी दान दहेज की बात ना करिया। अरे का बात करता, कहीं बिना दान दहेज के ब्याह होला? पता बा, आज के युग में दान दहेज लेल बहुत बड़ा जुर्म बा, और दहेज के वजह से अगर हमार ब्याह टूटल तो हम आत्महत्या कर ले, और ओकर जिम्मेदार तू रहबा।
वैसे तो हमरा कोनो लालच वालच नहीं खे, बाकी बिना कुछ लेन देन के ब्याह ब्याह ना लगेला, वैसे तो हम कुछ ना कहब, रउआ सब तो अपने समझदार बनी। भाई साहब, हमरे पास एक गो बिटिया ब्याह, हम अपनी तरफ से कौनो कसर ना छोड़ब। तो ठीक है, पंडित जी भी यही है, तो पंडित जी पत्रिका देखकर कोई अच्छा सा मुहूर्त बताइए। तोहर 13 के मटकोर और 16 के सुविवाह के दिन बा, तो बढ़िया दिन बा। तो ठीक, बहुत बढ़िया दिन बा। राजा, इन लोगों का मुंह मीठा कराओ। हाँ, ले ले पंडित जी, आप शुरू करी पहले। ए जी, बिना दहेज के ब्याह होखे लगा है? बड़का दानी कहा के आ गई नहीं है? अच्छा, एकरा मतलब हमरा बाबूजी के भी रउआ लोग ठगनी। कम से कम हमरा साथे तो आप लोग के दिल बड़ा होए के चाही। ओ बेरा आप लोग के दिल कहाँ रहे? अरे रउआ अपन बिटिया के ब्याह करे जाब ता दहेज ना देब, ता आपन लड़का के ब्याह हुई ता दहेज ना ले आई है? लोग का सोची जरूर लड़कवा में कोनो खोट बा। अरे तहर लड़कवा में कोनो खोट उठ नहीं खे, तहर लड़कवे पूरा खोटा बा। अरे फिर कुछ ना कुछ तो लेन देन करबे करिए ना, ऐसे ही सुखले हाथ ना विदाई करिए अपन बेटी के। हम कुछ नहीं की जानत, उ लोग तिलक चढ़ावे आई ना तैगो मोटरसाइकिल रवो मांग ले। हाँ माँ जी, बुलेट मांगी। हाँ बुलेट चाहिए, बुलेट। ठीक बा माई लोगिन, मांग ले हब। अरे पालक बाबा, प्रणाम प्रणाम। बड़े दिन बाद सब कुछ ठीक बा ना? बड़े दिनों बाद दर्शन हुए तुम्हारे। अरे खुश रह, खुश रह। अरे खुश रह, खुश रह। रवो कैसे मरी? चली चली अंदर, चली चली सब आजा। बैठा लोगन, बैठी लो। हाँ भैया, यहाँ बैठा, बैठी ला लो, बैठा लो, बैठा। आई आई आओ प्रभु आओ, आज मैं बहुत खुश हूँ। हे राजा, यहाँ आओ। हाँ बाबा, आगे नहीं। तुम औरतों के बीच में क्या कर रहे हो? अब ढोलक बजावे कह लिए लोग तब। तुम औरतों के बीच में ढोलक बजा रहे हो? काम धाम पर ध्यान नहीं है? जाओ काम करो। अरे जाओ। क्यों इसे डांट रहे हो भाई? सारा काम इसी ने संभाल रखा है, ये नहीं होता तो कोई काम नहीं होता। हाँ पूरी जिम्मेदारी। अरे दादाजी, उछेना के पानी लिया गया, हम लेके आवा थे। देखा तुमने, अभी भी उसे काम ही दिखाई दे रहा है। हाँ, बाहर बैठकर बात करते हैं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, हमने अपने बेटे शंकर और पोते भुजेंद्र को बहुत समझाया कि भाई दोनों में से कोई भी आदमी सेना में जाओ, देश की सेवा करो, लेकिन यार मेरी सुनता कौन है? यही बात हमारे घर के भी है। हमने अपने बच्चों को समझाया कि तुम में से कोई मिलिट्री ज्वाइन कर लो, राजा को भी समझाया, राजा को भी मिलिट्री में चले जाओ, देश की सेवा करो। लेकिन रामनारायण भाई, आज के जमाना में कोई फौज में जाना नहीं चाहता। एक और जमाना था जब हर घर से फौजी पैदा होता था, और आज कोई किसी की नहीं सुनता। हाँ यार, वो भी क्या वक्त था। याद है तुमको, जब हम लोग एक बार बॉर्डर पे लड़ रहे थे, तभी अचानक बंदूक की सारी गोलियां खत्म हो गईं, फिर भी हम बिना गोली के लड़ते रहे, लड़ते रहे। याद है, याद है। इतना जिगर था हम लोगों में। अच्छा सुनो, अब मुझे इजाजत दो, मैं घर जाऊंगा। अरे कहाँ? अरे भाई, शादी वाले दिन तो फिर आना ही है ना। अरे तुम फिक्र मत करो यार, मैं राजा को यहीं छोड़ रहा हूँ। राजा यहाँ रहेगा, आपका सब काम निपटाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब काम कर देगा। हाँ क्या कहा? राजा? अरे राजा को तो मैं जाने ही नहीं दूंगा। ठीक है, चले जाना, लेकिन पहले खाना तो खा लो, खाना तैयार है बिल्कुल। हाँ ठीक है, चलो चलो। हाईला जाओ वहाँ। ठीक बा, पूरा काम करवा दो। ठीक बा मालिक। अरे, अरे संधि जी। प्रणाम संधि जी। प्रणाम। और कैसा बनी रहो? बढ़िया। और आप बताएं? बहुत बढ़िया। आई आई अंदर। हाँ आई। अरे बाबूजी नहीं खिलोकत? बाबूजी गए बने बाहर कुछ काम। अच्छा, से अच्छा, आज बैठिए बैठिए।
हई भूमि बिटिया खाती साड़ी ले बनी। अच्छा अच्छा भुजंदर भुजंदर जी बाबूजी। नमस्ते खुश रहो। एक साड़ी बांधर धोई दा और चाय पानी की व्यवस्था करो जी। बैठे बैठे और बताइए का सब का। अरे कुछ कहल चाहता नहीं का कहीं। हाँ हाँ अरे हाँ फोन बाजता और बतावा। अरे कहाँ बारा जी फोन नहीं के उठावत हो। अरे बात करता नहीं। हाँ तब बात करता नहीं तब ठीक बा। बिना मोटरसाइकिल के बात कहले घरे मत आयम। अरे चुप रहो तब ना बात कर अब रखा। और सब ठीक है ना। हाँ बढ़िया बढ़िया रखा। ला पानी पिया। ला जी जी पिया था नहीं। समधी जी वैसे तो रुआ कल ही बनी कि अपना तरफ से कोनो कमी ना रखब। बाकी हम कुछ कहे के चाहता नहीं। कहीं बेझिझक कहीं का है ना कि लड़का के एगो इच्छा बा अब मोटरसाइकिल के का नाम हो करो बुलेट। हाँ बुलेट बुलेट। बाबूजी जब पाहुन के ये इच्छा बा तो वो पूरा कर जाए। समधे जी हमारे पास एक गो लड़की भी आ जैसे सब करते वैसे यो इच्छा पूरा कर आपके। अरे भाई हमरा चलावे तो ना आवेला हमार बेटा और बेटी वही पर बैठ के घूमियन फिरियन सा। तन जा चाहो तैयार होके तो ली आवा जा। कितना सुंदर लहंगा बा। हेलो मिलने का वादा तो करो इंतजार भी कर लेंगे हम। मिलने का वादा तो करो इंतजार भी कर लेंगे हम। नहीं आना है तो बता देना लेकिन वादा करके मुकर मत जाना। क्या बोला था। है हम भी यही तुम भी यही हो तो हमारे बीच ये दूरी कैसी। जान इस मजनू की लैला तो बनो। बाकी दुनिया की ऐसी की तैसी। इका बदतमीजी हा? हाँ के बोला था फोनवा में घुस के दूध जूता मारब। रखा फोन। अरे नहीं 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 फोन मत कटिया। अरे हम बोला था नहीं तोहार होखे वाला हस्बैंड तोहार लव सुरेंद्र। अच्छा आप बोला था नहीं। आपके हमारे नंबर कहाँ से मिलल। खुजले से तो भगवान मिल जाले तुहार नंबर कौन सा बड़ा चीज बा। अच्छा सुना ये हमार नंबर बा एकरा के सेव कैला। जी ठीक बा। अच्छा हम तुहार नंबर ना माय लव के नाम से सेव कैली बानी। और तू हमार नंबर केकरे नाम से सेव करबू। जान बतावा ना जान। टॉमी हम आपके नंबर टॉमी नाम से सेव करब। टॉमी अरे टॉमी तो कुकुर के नाम होला। हाँ उहे ना देखी कुकुर कितना वफादार होला कितना प्यारा होला और हमके बहुत पसंद भी बा यही से टॉमी। तोहके पसंद बा ना तो कोनो बात नहीं वैसे शादी के बाद तो लोग कुकुर बने जाला। ठीक बा कुकुर जी सॉरी सुरेंद्र जी हमके कुछ काम याद आ गेल बा तो हम बाद में बात करत हनी। ठीक बा। नहीं नहीं एक मिनट बस ये लाइन सुन लिया ओकरे बाद फोन रख दिया। जी जी सुनाई। रातें तो बहुत गुजारी अब इंतजार है सुहाग रात का। ए इंतजार भी खत्म हो जाएगा देर है एक मुलाकात का। अरे फोन काट दे ली ये हमार होके वाली मेरारू लगता शर्मा गई। राजा राजा पकड़ा हम रखे दे दी।
कहा? कुछ पूछे के बा? देखा भूमि, कौनो जरूरी बात होगा तो हमसे कहा, मस्ती के टाइम नहीं के बहुत काम करे के बांध के। अरे जरूरी है बात बा। कहा? हमरा के सुरेंद्र के फोन आयल रहे। ओए होए, कोई तो रोक लो। अरे मतलब तुहार पति अभी से बेचैन होता रहे तो अच्छी बात बा ना? मजाक मत करो राजा, पहले ही बतावा कि हमार नंबर उनकरा के तू देले पड़ा। अरे हम क्यों के काहे तुहार नंबर दें, वैसे तुहार नंबर हमारा ही लगे नहीं के। अच्छा ये सब छोड़ा, एगो और बात पूछे के रहे। का? वो लड़का ठीक तो बाना? पता ना आज फोन पर बतियावत समय हमरा के बहुत अजीब लागत रहे। ऐसन का बतिया दे ले? फिर मजाक करा था रहा। हम सीरियस बानी। अच्छा ठीक बा, ये बताओ हमसे का जाने की चाहता रू? हम बस इतने जानल चाहता नहीं कि वो लड़का के चरित्र व्यवहार सब कैसन बा। अच्छा तो ये शादी तय होखला के बाद तो के जाने के बा? अच्छा ठीक बा, चिंता मत करा, बहुत अच्छा लड़का बा, परिवार भी बहुत अच्छा बा। अच्छा उनकरा के शायरी के भी शौक बा का? शायरी ना था? पर फोन पते एक के बाद एक घटिया शायरी सुनावत रहले। अरे तो जाने लू ना, प्यार में लोग शायर बन जाला। भैया पर ये झोलवा कहाँ रख दी? ला जा तो। का बारे में जवान रुआ कल रही नू देखी सब यही में बा। अच्छा जो देख ली, ट्रैक्टर लेके जो बाकी के सामान लदवा के ले जा। जो मेहंदी तो बहुत अच्छा लगा बतारू। आवा भूमि बहनी, तुहू के मेहंदी लगा दी ही। अभी तो हाथ धो के आरल बानी, जगह कहाँ बा मेहंदी लगावे के। अरे वाह, मेहंदी के रंग तो बड़ा खुल के आयल बा, एकदम चटकार। एगो बात जाने लू, जब मेहंदी के रंग चटकार आवेला ना तो कर मतलब होखेला कि तार होखे वाला पति तोहके बहुत प्यार करी। अरे भाभी ये सब फिल्मी बात बा, ऐसन थोड़े ना होला। ऐसने होखेला तोहके का पता। तनी हमरो के लगा दे लोग था। ओहो, ख्याली पुलाव। एक बात याद रखिए, बानर के हमेशा बनरिये मिले ले। हाँ भाई, अब इनके बड़का शायर मिल गए बाने। अरे तब तई बोलबे न करिया। अरे प्यार से दिल वाला मेहंदी बनावा। मेहंदी का? ओकरे अंदर हमार जान तोहार भाभी भूमि के नाम लिखा। अरे भैया उहे तो करत आ, दाएं हाथ में ताहर नाम और बाएं हाथ में भाभी के नाम। बहुत बढ़िया। ए राजा बेटा, आवा चाय पीला। अरे ये सब का करता रू? दे दे गुल करिए। अला चाय पिया दा। राजा का? कुछ पूछे के बा? कितना पूछेगा बा, तो गए चाय पीला लोग हम आवत है। ठीक बा, अब का भइल? हमरा के ना बहुत ज्यादा घबराहट हो रहल बा। काहे? पता ना, और हमार दिल भी बहुत जोर जोर से धड़का था। अरे कुछ भइल का? कुछ भाई लगा मतलब हमार शादी होके जा रहल बा राजा, ये कोनो छोट बात है का? अरे तो वो तो सबकर होला, समाज के ये नियम है। अरे शादी तो सबकर होला पर ओकरा बाद का होला? ओकरा बाद सुहाग रात होला। हाँ सुहाग रात में का होला? अरे हम हो कुंवारे बानी, हमके कैसे पता होई? पर ते लड़का बाड़े ना, कुछ तो पता होई तोरा के। हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा पता बा। ते लजात का बाड़े बता ना। अरे कुछ ना रे, एकदम सिंपल बा। ग्लास के दूध लेके अपना पति के कमरा में जाइए, ठीक बा? आधा ग्लास उनका के पिया दिए और जोन बची तू पी लिए। वो है ग्लास में से उनका जूठा। छी। अरे तो का हो जाए, तोरा पति के ही जूठा रही ना। पर हम के होके जूठना पिए नहीं, हम के उल्टी होला। अच्छा ठीक बा, एक काम करिए, पहले आधा गिलास तू पी ली और जोन बची तो उन उनका के पिया दिए। हाँ ये ठीक रही। ठीक है ओकर
वाला बात? अरे ओकरा बात दिया बुता दिए और अपने पिया के साथ गाना गई है। कौन गाना? वे गाना रत दिया बुता के पिया क्यों क्यों किया पागल कहीं। राजा रत दिया बुता के पिया जब काम होते तो बुला लिया हाई ला जौन घाटा बढ़ा तो जाके बाजार से ले आवा व्यवस्था में कोनो कमी ना होके के चाहिए समझ गई ला सुन बाबूजी कम पड़े तो बता देना भुजेंद्र भी आ गए ले ले बाबूजी आ गए उनके बुला के दे दा एमे डिक्की कहां लगवई ला ई तो 15 देसी में लग जाई तब तक के करा के ना कोनो चीज से ढक के सुरक्षित रखवा दो ठीक बा ये कहां से आई कहां से आई कहाँ से आ गई अरे बाबा खरीद के आयल बा और कहाँ से आयल खरीद के हाँ ज्यादा पैसा वाला हो गए हो हाँ अरे इतना खर्चा कर रहा हूँ और करते चला जा रहा हूँ क्या जरूरत रहे इसे लाने की बाबूजी ये लड़का वालन के डिमांड रहल यही खातिर आयल हा छोड़ी ना अरे डिमांड कैसा डिमांड हमारे सामने तो कोई बात नहीं हुई थी ऐसी अरे बाबा जब वो तिलक लेके आए रहे ले, तबे डिमांड कर ले रहे ले। और तुम लोग मान गए हाँ? कल वो मांगेंगे परसों वो मांगेंगे नरसों ये मांगेंगे यानी जो जो वो कहते जाएंगे वो हम मानते जाएंगे हाँ? विवाह नहीं व्यापार बन गया है बाऊजी अब समय कहाँ हो काला तो बारात आई हम कुछ नहीं जानते हैं भूमि का विवाह उस लालची घर में कदापि नहीं होगा का कहता नहीं बाबूजी बहू हम जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और सोच समझ के कह रहे हैं बाबूजी अब सब तैयारी हो चुकल है अकाले बारात आवे खा अब एगो छोटी से बात लेके इतना भवंडर बनावे की का मतलब है हा? अब सोची कल बारात ना आई उनकर तो इज्जत जेबा करी का हमनी की इज्जत बची अब भूमि से क्या शादी करी कौन कहता है शादी नहीं होगी कौन कहता है भूमि का विवाह होगा और जरूर होगा और तय तारीख पर होगा आखिर वो मेरी पोती है भुजेंद्र गाड़ी निकालो चलो हाँ। का बात बा आज तो बहुत बहादुर हो गए बड़ केहू से नहीं खुले रात केहू देख ली तब का वैसे भी हम तो तोहर होखे वाला मेरा रुबानी और आज हम बहुत खुश बानी अच्छा ऐसा मन करता कि स्कूल की छुट्टी लेके पूरा दिन तहरा साथे बिताए अच्छा ऐसा कौन खुशी के बाद बा माई बाबूजी मान गए बड़े हमनी के बिया खातिर के का? हाँ सच्ची मुच्छी और अब वो दिन दूर नहीं खे जब हम तोहर मेहरारू बन के तोहरा घरे आए तब तो चला आज तो आगे कहीं घुमा के लिया वतनी अभी ना स्कूल के छुट्टी उकला के बाद अरे अभी तक कहत रहलू है कि तो आगे कहीं घूमे चले के बा छुट्टी लेके अब का भाई हाँ लेकिन स्कूल के छुट्टी हो जाए ओकरा बाद साजी खाने तू हमके कहीं पे लेके चला घूमे खातिर ठीक बा जैसन तोहार मर्जी ठीक बा अच्छा हम जातन बाय बाय राम नारायण ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए हमें तुम्हारा पोता राजा चाहिए दोस्त हम अपनी पोती भूमि की शादी राजा से करना चाहता हूं राम नारायण हां भाई तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत तुम्हारी पोती की शादी राजा से ही होगी हम्म
अरे तुम लोग हमारा मुंह क्या देख रहे हो? हा? जितनी जल्दी हो सके सारे रिश्तेदारों को फोन करो, जो आ गए शादी में उनको मुबारक और जो नहीं आ पाए उनको भी मुबारक। लेकिन अब ये शादी उसी समय होगी, राजा की शादी भूमि से ही होगी। बाबूजी ये शादी ना हो सकेला। काहे ना होई? तुमको क्या तकलीफ है, है? बताओ तुमको क्या तकलीफ है? शादी ब्याह के मामला बा, इतना जल्दी बाजी मेरे हुआ के फैसला लेवे के का जरूरत बा? बेटा अगर सही फैसला होता है ना तो ये नहीं देखते कि समय कितना लगा, समय क्या है। एक बात समझ लो कि अब राजा की शादी इनकी पोती से ही होगी, फाइनल है, समझे सब? आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो आपने मेरा मान रखा। उठिए उठिए, खड़े होइए, हाथ मत जोड़िए, आइए गले मिलिए, आइए, शादी खूब धूमधाम से हो। हम तो सोच ले रहनी कि हमारा बहन का बिया राजा से हुई, लेकिन ये लोग तो दूसरा से तक कह दिले। अरे भाई आपकी इज्जत हमारी इज्जत, जाइए आप, जाइए तैयारी रखने के लिए। अरे आप जाइए, आप जाइए, आप जाइए और बिटिया के शादी की तैयारी कीजिए, मैं बारात लेके आ रहा हूँ ना, उसी समय शादी होगी, जाइए जाइए आप जाइए। चलो बेटा। हाँ खुश रहो बेटा, खुश रहो। बाबूजी इतना जल्दीबाजी में फैसला लेवे के का जरूरत बा? आखिर कोनो हमरो हक बा, हम ओकर बाप बानी बाप। अरे तो हम तो हार बाप हैं, समझे, फैसला हो गया तो हो गया। हाँ तो जाए रहुए लोग ब्याह शादी करम, हम तो ना जाए ब्याह में, जाए रहुए लोग। हाँ जाओ जाओ, तुम क्या समझ रहे हो कि मुर्गा बांग नहीं देगा तो सुबह नहीं होगी? ए, सो जाओ जाओ। नीरज बेटा, अरे राजा अपनी ससुराल में, जाके उसको लेके आओ, दूल्हा बना के लेके जाएंगे कल, ठीक है? जा। ठीक बा बाबा जी, जाते हैं। हाँ। अब बेटा। हाँ मई। खड़ा कहाँ पड़ा? अरे जा जल्दी। अरे जाओ भाई। जा जा जा। नंदू जल्दी जल्दी तैयारी शुरू करा। हाँ बहुत ज्यादा काम करेगा, जा भागा। जी बाबूजी। हाँ बेटा। बड़ा बढ़िया फैसला कहनी रहुआ। दादाजी के ना दिमाग खराब हो गेल बा। दादाजी घर के बड़ बुजुर्ग हवन, जो सोचले हुई है अच्छा ही सोचले हुई है। राजा के बियाना हम अपना बहन के साथ है सोचले रहनी, और हमार सपना सपने ही रह गई। तो क्या अपन बहन के चिंता धैले बा, हमार भाई राजा के काले शादी बा, ओकरा पता भी नहीं खे। दा कुर्ता। माई पानी। चुपचाप सुत, पानी पी है सुत। हे भगवान, हमरा के लागत हमार सपना सपना ही रह जाएगा। राजा। हे राजा। अरे एक आदमी के सूते की जगह नहीं की, कहाँ सुतबा, महाराज जाके सूता होने कहीं। अरे तो के सूतल दिखाई देता राजा। हे राजा, राजा। भैया इतना रात के यहाँ क्या करता रहा? चल 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 चल। कहाँ? चल पहले चाबी कहाँ बना दे, चल पहले घर चल, सब बताता नहीं। का हुए, का भेल भैया? आवा चल बाकी कुल ही जा पूछ लेबा आवा। अरे तो का भेल बताइबा कुछ? अरे भैया सब घरे ठीक है ना, बोलत का ना हुआ? चलो रे, इतना रात के उठा के लेके चल जाला, कुछ बताओ था ही नवारे, हमके बताइबा भाईल का। अरे चुप रहा, पहले घरे पहुंचल जा फिर बताओ था नहीं। चलो अरे का हो गिल? अरे बाबूजी। पागल हा गेल बा का? अरे हट। अरे चमत्कार, अरे बाबूजी जिंदा हुए, अरे माई भैया बाबूजी जिया तुम बाबूजी। अरे हम नहीं खी मरल, मर तो तू जइबे। कहे आ है जो आंख में आंसू बा ना, बचा के रख, जिंदगी भर रोवे के काम आई। कहे
अरे हमार कोनो भैलू भाई घर में तहार गार्जियन ता दादा बड़न दादा जो दादा भीर का भैल दादा जी तुम्हारी शादी है कब कल कल कहाँ अरे वो हमारे दोस्त राम नारायण जी है ना अरे तुमको पता नहीं चला तुम तो वहीं थे उनकी पोती का रिश्ता टूट गया और अगर कल के कल उनकी पोती की शादी नहीं हुई तो राम नारायण जी आत्महत्या कर लेंगे अपनी जान दे देंगे अरे वो अपन जान दे दिया एकर मतलब का हमार भी आकर बाऊ तू राजा बेटा मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है इसीलिए मैंने उनको जुबान दे दिया है अब अगर तुम ना बोल दोगे ना तो अकेले नहीं मरेंगे साथ ही साथ मैं भी अपनी जान दे दूंगा दादाजी ये कैसन बात करता नहीं आप ठीक है बेटा ठीक हमको पूरा भरोसा था तुम पर इसीलिए मैंने उनको जुबान दे दिया है बहू जी बहू ले जाओ इनको तैयार करो ले जाओ और सारी रस्में पूरी करो ले जाओ तुम लोग जी बाबू जी जाओ बेटा चले, चले, देवर जी चले जल्दी जाओ चले। माई लेकिन इससे कौन भी आओला का मतलब का होता है ले लेना तू चकवा मोटर गाड़ी जाई तो के हाँ तोहरा दहेज के लालच के चक्कर में टूट गई हमार शादी जिंदगी भर कुंवारा रहा और अब कुंवारा ही मरब भैया ले लो बुलेट मिल गई बुलेट बुलेट चाहिए बुलेट बाबा इलो के कुछ इलो दे दो इन लोगों को दे दो जी काहे मुंह लटकावले बाड़ू ये सब अचानक का हो गए दादाजी हमार शादी उ लड़का से तोड़ के राजा के साथ तय कर देले ये तो और अच्छा बात बा कि राजा के तू पहले से जाने लू ऊपर से वो तोहार दोस्त हवे हाँ एगो अनजान से शादी भैला से अच्छा बाकी जानल पहचानल से होके पर हम राजा के बारे में कबो ऐसन सोचनी ना हाँ तो अब सोच के देखा राजा तोहार जितना देखभाल और केयर करी ले शायद ही कौनो लड़का करिए सन शादी के बाद तोहरा से और भी ज्यादा प्यार करी है वो संधि जी चलो चलो हाँ चलो बेटा प्रणाम प्रणाम हाँ बेटा खुश रह खुश रह हाँ खुश रह खुश रह अरे दुल्हा को पहनाओ हाँ खुश रह खुश रह महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि यजमान अक्षत लीजिए फूल लीजिए गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती
नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। फूल को चढ़ाइए भगवान पर। यजमान कन्या को बुलाया जाए। अबूजिंदर। जी बाबूजी। देखा देखा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नास्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि भक्तकुंड महात्मा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नास्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्ने मे कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। कन्या को अक्षत फूल दीजिए और गणेश जी पर चढ़वाइए। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बु फल चारु वक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारम नमामि। देख ली तब का। वैसे भी हम तो तोहर रुखे वाला मेरा रुबानी और आज हम बहुत खुश बानी। अच्छा ऐसा मन करता कि स्कूल की छुट्टी लेके पूरा दिन तहरा साथे बिताई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरी। ऐसन कौन खुशी के बाद बा। माई बाबूजी मान गए बड़े हमने के बिया खाते थे। जी बहू की उतारी ना। बैठो 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 बैठो। पहले तू पी ला उकरे बाद हम पी ले।
दूसरे के झूठ पीले से तो के उल्टी आवेले ना। तोरा के याद रहे? कैसे ना याद रही? राजा, ओ दिन हम तोरा से सुहागरात के बारे में पूछ ले रहनी हा, ऐसे हमरा के गलत मत समझिया। तो हमार दोस्त बाड़ा, यही से तो से पूछ लेनी हा। बाकी हम कौनो लड़का से ये सब बात ना कहनी हा। पता बा, पीला। कौन बात ना बैठा ठीक बा। पर भाभी कहले रहनी हा कि अपना पति के दूध जरूर पियाई हा। अरे भाभी के का पता चली कि हम दूध पियनी हा कि ना पियनी हा? बाहर जेबो सबके पता चल जाई, सब तोहर मजाक उड़ाई। चला आराम से सूत जा। ओ, भाभी कह ले रलिया कि अपना पति के पकड़ के सुतिया। हाँ ठीक बा। लेकिन ओकरा बात का करेगे बा ई ना बताई लिया। सुना ना, तोहरा के पता बा का? अब हमके कैसे पता रही? हमके पता नहीं के कुछ। सुता। ठीक बा, तो कल हम भाभी के फोन करके फोन पे पूछ ले। ठीक बा, पूछ लिया। अब इस चुपचाप सोता। बहुत सुंदर बाड़ी भाभी। इतना खुश नसीब बड़े राजा की इतना सुंदर मेहरारो पौले बड़े। अरे चाची, तू भौजी के बड़ाई करत रहू कि राजा भैया के शिकायत करत रहू? चला लोग भौजी के जा बैठल इनकर देह दुखा गई हुई। अहो दद्दा, भौजी के इतना चिंता करब तो अपन मेहरारू के कितना चिंता करब। चल चल, भौजी के सामान अंदर रख दे। माँ जी, ये रख ली। ना बेटा, ये तोहरा के गिफ्ट में मिलल बा, ये तोहार है, ये तू अपने पास रखा। जा दादाजी आ गए नी, पैर छुला यहाँ के। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। बेटी, हालात ही कुछ ऐसा पैदा हो गई कि हम लोगों को अचानक में शादी करवानी पड़ी। इस शादी से तुम खुश हो ना? बेटा, मैंने राम नारायण जी को बोल दिया है कि आपकी पोती को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं हूं यहाँ और एक बात तुमसे भी कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ हो, तुम्हें कोई भी उलझन हो, तो बेझिझक मुझसे कहना, यहां तुम्हारा दादा मैं हूं, मैं ही तुम्हारा दादा हूं, समझी? अब मैं चलता हूं। हाँ हाँ, खुश रहो बेटा, खुश रहो। अब चलो बेटा, तुम्हें घर दिखा दी। हाँ जी, चल। बढ़िया बड़ी। अच्छा सुन। हाँ। तो टीचर पूछी है स्कूले का है ना आइले, तो का बताइबे? कह देम के हमर चाचा के बियाह रहे। अरे इतना देर समझौले के बाद तो यही समझ में आइला? अब
अपने टीचर से गलती से भी मत बताइए कि हमार बियाह भइल बा। तब का बताएं? अरे कौनो बहाना मार दी है, तोरा लगे बहाना कमी बा, चल। मैं कमिन मैडम। कमिन, कहाँ रहला तू इतना दिन से? वो घरे बियाह रहे नो। ए, जो जाके बैठ अपने जगह पे। हाँ बिहार है ना, हमारा दादाजी के दोस्त के पोती के बिहार है। बहुत दुख भइल, तोहरा भाई के शादी कट गई। तोहरा के काहे दुख होई? तोहर दादा के पोती के तो बियाह हो गई ना। बियाह तो हमार भैया के टूट गई। अरे हमार मतलब वो ना रहे, मतलब भगवान करे जवना लड़का से ओकर बियाह भइल बा वो लड़का मर जाए। अरे वो बेचारा के काहे मार तारू? अरे ओकर कौन गलती बा? बस बस इह वकालत करे आइल बड़ा का। और वैसे भी जे स्कूल में लेट आवेला या छुट्टी करेला ना तो ओकरा के पनिशमेंट मिलेला। हे बल्लू। जी मैडम जी। चल मुर्गा बन। जी मुर्गा का है? बड़े तड़के ना आई जाओ। अरे कहीं और के गुस्सा कहीं और कहे निकाला तारू? तोहरा के भी मुर्गा बने के बका ना। हमरा काहे मुर्गा बने के बा? गलती इकेले बा ई बनी। ए ठीक से बन। अरे स्कूल से आगे लगा आ गई बनी, लेकिन दोबारा स्कूल ना जाएं। दिमाग खराब कर बतू, हमरा के स्कूल से लेवे काहे ना आई लहा? अच्छा अरे यार वो अब का बैल ना कि हम आवही वाला रहनी, लेकिन अच्छा ये खतर गुस्सा बाड़े? गुस्सा हमें बात पे बानी कि गलती तू करत आ रहा और सजा भुगतत नहीं हम। तारा के कुछ पता भी बा? मैडम वा हमरा के कितना देर मुर्गा बना के रख ले रहे? का बात करता रे? नहीं के पता तोहरा के? बताई दादाजी से, बताई दादाजी से। देख बाबू का है ना, कबो कबो गेहूं के साथ ना घून के भी पिसाए के पड़ेला। केकरा संगे का पिसाता हमरा नु ओकरा से कोनो मतलब नहीं खे, समझला तू? और हाँ हम स्कूल में पढ़े जानी, मुर्गा बने ना। ठीक बा, समझा दी अपना मैडम वा के। अच्छा जाता नहीं छत पे सोते। अरे पर तू आराम से सोता। भूमि के फोन। हेलो। हाँ भाभी प्रणाम। इतना रात के फोन कर तारू, ई घड़ी तक के समय कैसे मिल गए हो? हमार मतलब ई तो पति सेवा के टाइम है। पति सेवा तब न करब जब वो हमरा पास नहीं है। का है का बात बा, कोनो दिक्कत? पता ना, वो हमरा से बातचीत तो बहुत बढ़िया से करे ले, लेकिन जैसे हम उनके लगे जाए की कोशिश करे नी वो हमरा से उतने ही दूर भागे ले। ए भूमि, तहार पति देव उतना हुआन? वो मतलब? अरे वो है मिठाई के दुकान। ना भाभी ई का कहता रू? तब तो समस्या कुछ और हो सकेला। का कहीं बाहरे चक्कर वक्कर तो ना चलाओ थुआन? जे आदमी अपना खुद का मेहरारू से इतना शर्माला वो बहरे का चक्कर चलाई। जब इतना विश्वास बा
तो देर कोना बात के हा। तोहार समस्या के समाधान तो तोहरे लगे हा। वो कैसे? अरे अपना जवानी के जादू दिखा के तू उनका के अपना वश में कर सकेलू। अभी कैसे करबो ई तो तू ही सोचा। ठीक बा, तू नहाला हम बाद में नहाले। ना ना, तू नहाला। अरे कोनो बात नहीं खे, तू नहाला हम बाद में नहाले। रुका, सुना ना, ऐसे भी घर में केहू नहीं खे, साथे नहा लिया जाओ। ना, तू नहाला हम बाद में नहाले। राजा जी, हम तोहार पत्नी हैं। हाँ भूमि, लेकिन हमके थोड़ा समय चाहिए, प्लीज। ए राजा। हाँ माई। अरे बेटा रुक, कहाँ जाता रा? तनी बाजार जाता नहीं। अरे बेटा, घर में नया बहुरिया आइल बिया, तू कहाँ घर छोड़ के जाता रा? अरे माई, अब नई बहुरिया घर में आइल बिया तो हम का करी, अब बाजारों नहीं घूम सकत का। अरे बेटा, अरे तू घर में रहवा तो ओकर मन लगे ना। बुझाइल तोरा, तोहार रहल बहुत जरूरी बा। ओकर जरूरी तोरा समझ में आवत, लेकिन हम कोनो जरूरी काम से जाता नहीं तो उ नहीं समझ में आवत। अब जा, देखा तानी कैसे तू जाता रा। जा। ये बल्लू। का चाची? चला हमरे साथ बैठा। बैठा। हम तोरा खातिर कुछ लेके आयल बानी। का? चॉकलेट्स। वाह, तोहरा के चॉकलेट्स बहुत पसंद बा ना? बहुत ज्यादा। लो। थैंक यू चाची। यू आर वेलकम। बल्लू, हम सुनले बानी तोरा के लूडो भी बहुत पसंद बा। हां, तई ला। लेकिन चाची, केहू भी हमरा साथे ना खेलेला। अरे तो हम खेलब ना। अरे तब तो बहुत मजा आई, अभी खेला ना। चला। ये कौन कलर चाहिए तोरा के? पीला वाला। चाची पहले हम खेलम। ल सिक्स। वाह, सिक्स। खेला खेला, जल्दी खेला। बल्लू, मजा आ रहा है ना? हाँ चाची। अच्छा बल्लू, एक बात पूछी? पूछा चाची। लेकिन पहले तू हमार कसम खा के बोला कि एकदम सच बोलबा, झूठ ना बोलबा। चाची, हम झूठ ना बोलेनी, और तहरा से तो बिल्कुल झूठ ना बोलम। तोरा चाचा के शादी से पहले कोनो गर्लफ्रेंड रहेगा? अरे ओकरे चक्कर में तो हमरा भोरे भोरे स्कूल जाए के परेला। तुहार गर्लफ्रेंड ना तोरा चाचा के? अरे उनके बारे में बताओ तानी। चाचा रोज हमरा के जबरदस्ती स्कूल ले जाले ताकि वो शिक्षा मैडम से मिल सके। और हाँ, हमार शिक्षा मैडम भी चाचा के खूब पसंद करेली। चाची खेलो। हाँ, अच्छा बोलू, अब तोरा के बारे में और भी कुछ पता बाका? चाचा अभी भी बात शिक्षा मैडम से छुपा के रखले बाड़े कि उनकर बियाह हो गईल बा और हमरो के बतावे से मना कईले बाड़े। Ah!
बल्लू। हाँ? हम तोरा शिक्षा मैडम के देखल चाहता नी। ठीक बा, कल चाचा ना तू हमरा के लेके चलिए स्कूले और ओजे ही हमर शिक्षा मैडम के देख लिया। अब खेला। हाँ खुश रहो बेटा, खुश रहो। स्कूल जा रहे हो? हाँ, स्कूले जाता नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम अकेले जा रहे हो, राजा कहाँ है? चाची बाड़ी ना। चाची? हाँ। जी बाबा, अगर रउआ इजाजत दे देती तो हम बल्लू के स्कूले छोड़ आई और यही बहाने एक बार गांव भी देख लेती। अरे तो बहुत अच्छी बात है बेटा, जाओ जाओ स्कूल छोड़ के आओ, जाओ चाची स्कूल छोड़ देंगी, जाओ। रुक जा बेटा। हाँ? का बाबूजी, अभी नौकी बहुरिया के बाहर काहे भेजता नहीं? अरे बहू, भूमि हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है बेटी। और अगर हमारी बेटी बल्लू को स्कूल छोड़ के आए तो इसमें तकलीफ क्या है? हाँ जाओ बेटा, इसको स्कूल छोड़ के आओ। और सुन, अपनी चाची को परेशान मत करना है। हाँ जाओ। हाँ। अब मन लगा के पढ़ना, जाओ। शिक्षा, हमरा के तोहरा से कौनो बात नहीं करे के। का भइल? तोहरा कारण हमर पूरा दिन खराब हो गए। का रहला तू? चाची ई रहल हमर स्कूल। और चाची ऊ देखी उहे है हमर शिक्षा मैडम। और देखी चाचा से लड़त झगड़त बड़ी। अरे शिक्षा, हम आवे वाला रही लेकिन कुछ काम। ई कौनो बात भइल का? अरे हमार बात तो सुना। हमके तो हर कौनो बात नहीं के सुने के, जा यहाँ से। बल्लू तू अपना क्लास में जा। और सुना, अपना चाचा के मत बताइए कि हम आज स्कूल आई रहने के। बाय बाय। अच्छा ठीक बा, हमारे को बात मनबो। हम ना मानम काहे से कि तोहरा कारण हमार दिन खराब है और तू एगो कॉलो ना कैला। अरे तू समझ ले नहीं कुछ आहत। का समझावल चाहत रहा तू हमके? एगो पे एगो कहानी सुनाल जात रहा। राजा भैया, राजा भैया। हाँ? फोन आयल बा, फोन। शिक्षा मैडम के फोन बा। हाँ बोला। अच्छा सुना, कल भोला बाबा के मंदिर में आ जाइयो। काहे कोनो खास बात बा का? अरे हाँ, कल तीज बा और हम तोहरा खातिर व्रत रखतानी। अच्छा अच्छा, तो हमारा आवल जरूरी बा का? तो काहे ना आयल जरूरी बा, तोहरे खातिर तो व्रत रख ले बानी ना, व्रत तू ही तोड़बा। बाय बाय। राजा भैया, जब ही मैडम के पता चली कि तार शादी हो गई बा तो तार बाजा बाज जाई। बात तो सही कह दरे। जो अब काम देख। ठीक बा। बी ए एन ए एन ए बनाना। बनाना मीन्स केला। अब जल्दी से आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, 10 मिनट बाद आप सबसे पूछूंगी। शिक्षा मैडम जी। हाँ जी। 10 मिनट के लिए फ्री हैं आप? जी जी, बोलिए। कैसा चल रहा है आपका क्लास? बहुत अच्छा चल रहा है। आज आपका क्लास नहीं लगा क्या? नहीं, बच्चे पढ़ रहे थे अपने क्लास में तो हमें टाइम मिला तो हमने सोचा चलो आपसे मिल लेते हैं। अच्छा,
चलिए आइए बाहर बैठ के बात करते हैं। देखिए मजनू लाल जी आप जाइए, मेरा क्लास चल रहा है, मैं नहीं आ सकती। मैडम हमके याद हाल सुनाई रहुआ के। बैठ, बात कर रहे ना दो टीचर, बैठ। पढ़ अपना ध्यान से। देखिए मजनू लाल जी आप हद पार कर रहे हैं, अगर आप नहीं गए यहाँ से तो मुझे मजबूरन प्रिंसिपल जी को बुलाना पड़ेगा। जाइए यहाँ से। मैडम आप जानती हैं ना अभी हम कुंवारे हैं। जी तो कुंवारे को आप दुत्कार रही हैं और शादीशुदा आदमी से आपने मटक्का कर रही हैं। क्या मतलब है आपका? मतलब तो आप बूझ ही गई होंगी, वो जो रोज रोज लड़का स्कूल में आता है ना उसकी शादी हो गई है। हा? और आप उसके साथ नैन मटक्का करके हमें भाव भी नहीं देती हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप? जी मतलब हम सही बोल रहे हैं, आपको विश्वास नहीं है मेरे ऊपर तो उसके भतीजे से पूछ लीजिए आप। चलता हूँ। चुप हो जाओ तुम लोग। हे भगवान, क्यों और के गलती के सजा हमरा के कहे देता ही मैडम जी। सच सच बतावा, तोहर चाचा शादीशुदा बाड़न की ना? नहीं तो आज पूरा दिन तोहरा के एंगने मुर्गा बना के रखा। सच सच बताओ तानी, हमरा चाचा के ब्याह हो गइल बा, अब तो जाए दी। अरे आगेलू, कहाँ रह गेलू है? और बैठ, क्रिकेट खेल के बगा। अरे रुका, अरे तो के बताओ तो नहीं, अबे चार से मार दें तो के। रुका, अरे बताओ तो का भाई, तू हमार नहीं का हो सकता तो तोरे के और के बिना के दे जान से मार दें तो के। अरे बाप रे, अरे हम मरी है तो तू विधवा हो जाए। विधवा तो चुड़ैल हुई हम ना। देखा बिया जल्दीबाजी में और हमरा मर्जी के बिना भइल बा। और देखा भले हमार बिया ओकरा से भइल बा, लेकिन आज भी हम तोरे से प्यार करेनी। का मतलब भाई प्यार के? देखा अब भगवान ओकर रिश्ता तोड़ के तोहरा भाई से होकर रिश्ता तोड़ के हमरा साथे जोड़ देने, लेकिन हम तोहार कसम खा के कहता नहीं, आज तक हम ओकरा के छोले नहीं की, आज भी हम तोहरे से प्यार करेंगे। तका बिया कर पा हमसे? हाँ काहे न करब, हम तोह से प्यार करेनी तो काहे न तोह से बिया करब। चला तू कहता अभी तो उसे गुप्त बिया कर लेता नहीं। गुप्त रोग होला, गुप्त बिया ना। अरे जवान कुछ भी हो थोके, लेकिन हम तो तोरे से ब्याह करके तैयार बनी ना, तब तो तोके भरोसा हो जाए ना कि हम तोरे से प्यार करें नी। ना पहले ओके तलाक तो, तब हम सोचब। ए भगवान ई कौन मुसीबत में पड़ गई नी। भूमि जी हमके तो से कुछ बात करे रहे। कहा का बात बा? बहू दादाजी बहरे बैठल बाड़े खाए खातिर लेके आवा। जी भूमि जी का भाईल? कुछ ना। मैं तो दीवानी
हम कई दिन से देख रहल बानी। तू हमरा से कुछ कहल चाहता रह पर कह नहीं के पावत। ना तो राजा, हम तुहार पत्नी बाद में हैं, पहले तुहार दोस्त हैं। बतावा ना, का बोलल चाहता रह? अब ऐसन कौनो बात तो नहीं के? कौनो बात नहीं के? ली चाय। हाँ, रख दा। चुड़ी टूटल नहीं खेबा का भेल? हाँ, काल राहुल बाबा सोचत रहलेन कि देवर जी बाप काहे नहीं बनत। देवरानी साहबा के कुल सुहागन चूड़ी देख के पता चलता कि देवर जी और उनकरा बीच में कुछ ठीक नहीं खे। अब चूड़ी देख के तू भविष्यवाणी करे लगलू। जा ना किचन में, कुछ कार होई। जा, कुछ काम करो, सब कुछ ठीक बा। अरे कुछ ठीक नहीं खे, ये हम दावा के साथ कहता नहीं। हम दावा के साथ कहता नहीं, सब कुछ ठीक बा तब? लाए, चाय तो ठीक से बनते नहीं खे, भविष्यवाणी करे लगलो। जा, जा अपन काम करा, जा। खा। अरे राजा के खनवा लावा जल्दी। ना ना, तू लोग खा, हम क्या आ जाए। अरे अरे अरे, का भाई, का भाई? अरे भूमि, भूमि। अरे अरे नीरज, मुंह का देखत बड़ा, गाड़ी निकाला, गाड़ी जल्दी हॉस्पिटल लेके जा। अरे जल्दी जा, गाड़ी निकाला था नहीं। हां चल, जल्दी लेके आओ बेटा, चल 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 चल, जल्दी चल। कौन? डॉक्टर साहब, सब ठीक तो बा? का भेल भूमि के? पेट में दर्द था, अब ठीक है, मैंने दवा दे दी है। अच्छा, ये सारी रिपोर्ट्स मैंने निकलवा ली है। रिपोर्ट्स के अनुसार पता चला है कि आपकी पत्नी कभी मां नहीं बन सकती। उनके पेट में जो दर्द था उसके लिए मैंने दवा लिख दी है, अब आप चाहें तो उन्हें घर ले जा सकते हैं। बेटा तू आराम करा। ना माँ जी, अब हम एकदम ठीक बने, कोनो दिक्कत नहीं के। हाँ हेलो दादाजी, भूमि कभी माही ना बन सके ले। क्या? हाँ दादाजी। अब कुछ आराम बाना बेटा, ठीक हो जाए। भूमि बेटा, अब तबीयत कैसी है? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम लेटी रहो, लेटी रहो, आराम करो, तुमको आराम की जरूरत है। राजा, इधर उधर घूमना बंद करो, फालतू में घूमते रहते हो। घर में रह के बहू की सेवा करो और देखभाल करो बहू की। जी। पर बाबा, अब हम ठीक बानी। हाँ तुम ठीक हो बिल्कुल, लेकिन तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम आराम करो, तुम घर के काम की चिंता मत करो, बड़ी बहू सब संभाल लेंगी। वैसे भी आज तक सारा काम हम ही संभालत रहनी और आगे भी संभाल ले। इनकरा के थोड़ी ना कुछ भइल बा, बस लेके निखे पैदा कर सकत, बाकी सब तो ठीक ही बा। ए बड़ी बहू, तुम्हारी जुबान ऐसे बहुत चलती है, जाओ यहाँ से, जाओ, संभाल लेंगी। बाबू जी, बड़की दुल्हन तो ठीक है ना कहतड़ी? भूमि बेटा, इन लोगों की बात को दिल पे मत लेना, समझी बेटा? तुम सिर्फ आराम करो, मैं हूं ना, आराम करो। राजा। हाँ बाबा। बहू की देखभाल करो। जी ठीक है। ठीक बाबा, मैं चलता हूँ बेटा। जी। अच्छा बेटा, तू आराम कर, हम आवते नहीं। राजा। हाँ। तू ख्याल रखिया।
बस आखिरी गोली बा, खाला। राजा कब ले ऐसे ही हमार बोझ ढोआ बा? मतलब ये कि हम चाहता नहीं कि तू दूसर शादी कर ला। का बोलो तारो? हम एकदम ठीक है कहता नहीं, तनी सोच के देखा। आज तो सब कुछ ठीक बा, पर समय के साथ जैसे हमनी के उम्र ढली और हमनी के पास लड़का बच्चा ना रही है, तो बुढ़ापा में हमनी के सहारा क्या बनी? और तू बिल्कुल चिंता मत करा, जैसे एक घर में दो बहिन प्यार से रहेली, वैसे ही हम ओकरा साथे प्यार से रह ले। भगवान के भी यह मर्जी है, प्लीज तू दूसर बिया खातिर मान जा। इतना आसान नहीं है, अगर हम मान भी जाए, घर वाला लोग मान भी जाए, बाबा कबो न मनिए। बाबा के हम मना लेब। पागल हो गए तुम दोनों, पागल हो गए हो। सात जन्म साथ रहने का वादा किया था और अभी 7 महीने नहीं बीते और शादी टूटने की बात हो रही। आखिर क्या दिक्कत है लोगों की शादी से? बोलो क्या दिक्कत है? भूमि माई नहीं खे बन सकत और रउआ कहता नहीं कि कौनो दिक्कत नहीं खे। बहू बाबा दीदी ठीक है तो कहता रही, जब हम संतान सुख नहीं खी दे सकत तब कम से कम इनका के दूसर बिया कर लेवे के चाहिए, ताकि ये घर में खुशी आ सके। और यही मैं हमनी दोनों लोग की सहमति बाबा। लेकिन मेरी सहमति नहीं है। और हम सहमत नहीं खी, ये दूसर बिया के बात कही तू लोग बंद करा। बाबूजी यही से न कहत रही कि शादी ब्याह के मामला बा, तनी सोच समझ के करी। लेकिन रउआ का ये का भइल? शादी ब्याह टूटे के कगार पर आ गइल बा। तुम चुप रहो, एकदम चुप। भूमि बेटा, अभी आपकी बहुत बड़ी उम्र पड़ी है, पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारी। बेटा, मैंने राम नारायण जी से वादा किया था कि आपकी पोती को हमारे घर में कोई कष्ट नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन बेटा, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार राम नारायण जी से बात करना बहुत जरूरी है, और मैं उनसे बात करूंगा। हाँ बेटी, क्या तुम भी यही चाहती हो? हाँ बाबा। बेटिया, हमके तो लगा था तू ही कौनो मजबूरी में फैसला लेता हो। ना पापा, कौनो मजबूरी नहीं थे, बल्कि हम तो खुद इनका के दूसर ब्याह करे खातिर कहनी है। देख लिया ना राम नारायण, देख लिया ना आपने। अरे मैं समझा के थक गया हूँ इन लोगों को, लेकिन ये लोग फैसला ले चुके हैं। चाचा जी, अगर कोनो दूसर बिया होई तो हमार बिटिया रही कहाँ, नैहरे में और समाज का कहीं? ना पापा, हम कहीं ना जाइब, हमार ये घर है। और रहुए तो कह ले रनी कि हमनी के संस्कृति में दान करे के परंपरा है, और एक बार दान दिहला के बाद वापस ना लिहल जाला। कन्या दान के रूप में आप हमार दान कर चुकल बानी, और माई कहत रहली कि नैहर से डोली उठेले और ससुराल से अर्थी, यही से हम अपना ससुराल में ही रहब। और बाबा,
हम ही फैसला अपना खुशी से ले ले बानी। यही से हम चाहता नहीं कि हमनी लोग के खुशी के खातिर आप लोग भी अपन सहमति दे दें। ठीक है बेटी, जब तुम सब लोगों ने सोच ही लिया है तो इसी में हमारी खुशी है। भूमि बेटा। जी बाबा, आई बैठी। बैठो बेटा, बैठो। भूमि बेटा, इतना बड़ा फैसला लेने के बाद ये पूछना कि तुम खुश हो या दुखी, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई कारण ही नहीं है पूछने का। अब तुम खुश हो, मुझे इस बात को सुनिश्चित करना था बस। बेटा, राजा की शादी कहां और किस लड़की से होगी इसका फैसला तुम करोगी, ये जिम्मेदारी मैं तुमको दे रहा हूं। लेकिन बाबा, हम राजा और आप मिलके। देखो बेटा, मेरी जिंदगी के अब 4 दिन बचे हैं, लेकिन तुम्हारी तो पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है, पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है बेटा। और मैं चाहता हूं कि तुम राजा की शादी एक ऐसी लड़की से कराओ जिसके साथ तुम पूरी जिंदगी खुशी खुशी गुजार सको, और मैं तुम्हारी खुशी देखकर निश्चिंत होकर मर सकूं बस। हाँ बेटा, अब भूमि बेटा मैं चलता हूं। भूमि तू ऐसा का कर आयल बड़ू? भगवान जी से अपना पति के खुशी मांगे आयल बानी। कैसा औरत बाड़ू तू? पहले हमर भैया से शादी तोड़ के ओकर दिल तोड़ देलू, और अब राजा के नाम लेके हमर सामने हमर दिल दुखावा ताड़ू। दो प्यार करे वाला के पूरा जिंदगी खराब कर देलू। देख शिक्षा, जे भी भाई हो इतना जल्दबाजी में भइल कि का सही है का गलत है ये सोचे कि समय ही ना मिलल। पर कहल जाला ना, भगवान दू प्यार करे वालन के मिलावे खातिर कौनो ना कौनो रास्ता निकाल ही लेवेले। हम राजा के पत्नी तो बन गई नहीं, पर उनका के पिता बने के सुख हम कबो ना दे पाइब। जे गलती करेला ना ओके ओकर सजा ए धरतीये पे मिलेला, एही जा मिलेला ओके ओकर सजा। खैर छोड़ा, तू हमके काहे के ई सब बतावत अड़ू? काहे के हम चाहता नहीं कि तू राजा से शादी करला। ऐसे दू प्यार करे वाला लोग पूरा जीवन एक दूसरे के साथ रही है, हमरा खातिर राजा के खुशी से बढ़ के और कुछ नहीं के। एही में राजा के खुशी बा, और अगर सोच के देखबू ते ही में तोहरो खुशी भी बा। शिक्षा के ब्याह हुआ ना हो सकेला तो ना हो सकेला, हम कबो न हो दे काहे। अरे अच्छा लड़का बा, अच्छा घर बार बा, तेरा का दिक्कत बा? अरे तोहरा के कौनो खबर बा का? जौन धोखा हमरे साथ भइल उ धोखा हम शिक्षक साथ कबो न होखे देब। अरे पापा,
दुनिया में लड़कन के कमी बा का? हाँ, जौन तू शादीशुदा लड़का के साथ शिक्षक के ब्याह करावत बड़ा? हाँ, अरे ओकर ब्याह ओकरे साथ भइल बा, भूमि भूमिया के साथ, जेकरा खातिर हमार राज्य दिल जलत बा। अच्छा, तो ई बात के तहरा परेशानी बा? ना, हम ई बात खातिर ना परेशान बानी। जौन तहरा के समझे के बा तू समझा, लेकिन ब्याह ना हुई तो ना हुई। काहे भैया, जब वो हमके पसंद करेलन और हम उनके, और घर में भी सबके और राजी बा, तो तोहके का दिक्कत बा? का हमार खुशी में तोहर खुशी नहीं खे? देवर जी, शिक्षा के ब्याह की जिम्मेदारी तो हमनी के ऊपर बा ना। आखिर शिक्षा के ब्याह कहीं ना कहीं तो कर ही के पड़ी ना। वैसे भी हमनी के उनकरा से नीमन लड़का खोजले पे भी कहां मिली। हाँ, तू ठीक कहत अरु बहू। अरे ये दोनों एक दूसरा के जानेलन पहचानेलन, अच्छे से प्यार करेलन, तू चिंता मत करो बेटा, समझला? सब ठीक हो जाई। हम जाता नहीं, आजे उनका के खबर देता नहीं, ठीक बा? तो ठीक बा, तोहरा के जौन करे एक बार करा, जहां ब्याह करवाओ एक बार करवावा, लेकिन ब्याह के बाद कोनो गड़बड़ भइल ना तो हमारे पास मत आइहा, हाथ उठा दे, ठीक बा? बाबूजी, बोली ना उनके। अरे छोड़ ना बेटा, पागल बा, यही खातिर तो ओकर मतारी ओकर से नाराज बड़ी। तू चिंता मत करा, तहार ब्याह उजी हुई, ठीक बा? सच ना? जा, खुश रह। तोहरा के जौन करे एक बार करा, जहां ब्याह करवाओ एक बार करवावा, लेकिन ब्याहे के बाद कोनो गड़बड़ भइल ना तो हमारे पास मत आइहा, हाथ उठा दे, ठीक बा? हेलो। बस कुछ दिन के बाद बा, ओकरा बाद फोन करने की जरूरत ना पड़ी। पूछा काहे? काहे खातिर? अरे बुद्धू, कुछ दिन के बाद हमने के ब्याह हो जाए और हम ओकरा बाद तोहर सामने 24 घंटा रहब। का भाई? अच्छा छोड़ा, ही बतावा, भूमि से तलाक के बारे में बात भइल? हाँ, बात भइल, तैयार बाड़ी। का बात कर तड़ा, इतना बड़ खुशी हमसे अभी ले छुपे ले रहा, बोला काहे? अच्छा ये बतावा, कब ले बोल लिया तलाक देवे खाती के? अच्छा ठीक बा, हम बाद में बात करता नहीं। रुका, यहीं जावा, बैठा। का बात बा, का कल चाहता रहा, इतना बेचैन काहे बड़ा? भूमि, एगो बहुत जरूरी बात करे के बा, लेकिन बोले के हिम्मत नहीं खेत। जब बात जरूरी बा तो कबले अपना अंदर दबा के रखबा, बोल दा। वो कहतिया कि वो हमसे तबे शादी करी जब हम तोरा के तलाक दे, हम ओकरा के समझावे की कोशिश करिए कि इस सब के कोनो जरूरत नहीं खे, दोनों लोग साथ में रह सकता और हमें भूमि की कोनो प्रॉब्लम भी नहीं खे, लेकिन हम तलाक देवे खातिर तैयार बानी।
हाँ ठीक है तबा, वो एकदम सही कहा तारी। लोग अपन प्यार तो बटबे ना करे ले, केहू अपना पति में बंटवारा कैसे सहली। चिंता मत करा, शिक्षा के बोल दिया कि हम तलाक खातिर तैयार बनी, जहां कहबा वहां साइन कर दे। थैंक यू भूमि। पहले तुमको इन लोगों ने इनकी दूसरी शादी के लिए मनाया और अब तलाक के लिए मना रहे हैं। तलाक चाहिए तुम लोगों को, तलाक चाहिए है? अरे 1999 कारगिल युद्ध में जब मुझे मौत छूकर निकल गई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि भगवान मुझे किसी अच्छे दिन के लिए बचा लिए, लेकिन आज अपने घर में यह हालत देखकर, ये दिन देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसी वक्त शहीद हो जाना चाहिए था। भगवान क्यों बचा लिया मुझे दिन देखने के लिए, क्यों बचा लिया मुझे। हाँ जान बोला। आज हम तोरा के दुनिया के सबसे बड़ खुशखबरी सुनावे जाता नहीं। कैसन खुशखबरी बतावा। हमनी के प्यार के जो उन कुछ दिन खातिर ग्रहण लग गेल रहे अब दूर हो गेल। का बात कर तड़ा, सच में अब हमनी के दूर दूर ना रह के पड़ी। पूछा कैसे। अरे भूमि तलाक खातिर तैयार हो गेल बाड़ी। अच्छा ही बतावा कब ले तलाक देवे खातिर बोल ली। पेपर सब तैयार हो गेल बा, काले हमनी के कोर्ट में दाखिल कर लिए, ओकरा बाद हमार जान हमरे पास। ठीक बा। आई लव यू जान। आई लव यू टू। का भेल बे, बबलिया के बारे में सोचता रे का। हमार लव स्टोरी तो सक्सेस हो गई, तोर कहां ले पहुंचल बेटा। अरे बबली गल तेल लेवे, प्यार मोहब्बत बहुत बुरा चीज है। का भइल रे बबलिया, धोखा दे देलस का। इतना दुखी हो के काहे बोलत रे बे। बस करा, जब से हम चाची के तोहरा प्यार में रोते देखले बानी तब से हमर प्यार से भरोसे उठ गई बा। पता ना चाची के रोवा के तहरा कौन खुशी मिलल। बाबा खाना। हमको भूख नहीं है खाने की, वापस ले जाओ, जाओ। का भइल बाबा, राउर तबियत तो ठीक बना। अरे मेरी तबियत बिल्कुल ठीक है, मैं एकदम अच्छा हूँ। ये बताओ तुम्हारी तबियत कैसी है। हमके का भइल बा, हम तो एकदम ठीक बानी। बहुत ठीक हो, आओ इधर बैठो, बैठो जरा बैठो। हाँ इधर रखो। देखो बेटी, जब से राजा की दूसरी शादी तय हुई है ना, पूरा परिवार के सब लोग बहुत खुश हैं, सब खुश हैं, किसी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन मुझे समस्या है, और मुझे इस बात की समस्या है कि राजा की दूसरी शादी के बाद तुम्हारा क्या होगा। पर बाबा हम तो खुश बानी ना, और ब्याह के बाद हो खुश रह, आप हमारी चिंता मत करी। अरे पगली, अरे तू किस मिट्टी की बनी है रे, किस मिट्टी की बनी है। दुनिया की तू पहली औरत होगी जो अपने पति की दूसरी शादी से खुश है। कोई औरत दूसरी शादी से खुश नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। बाबा अगर सवाल हमरे जिंदगी की रात, तो शायद हम कभो भी इतना बड़ फैसला ना ले रहती। पर यहां सवाल केहू और की जिंदगी, केहू और की खुशी के बा। और तुम्हारी खुशी का क्या। हमार खुशी
जेकरा पास बल्लू जैसन इतना प्यार से चाची बुलावे वाला भतीजा होखे, रउआ जैसन अपन खुद के बेटी समझे वाला बाबा होखे, इतना प्यार करे वाला परिवार होखे, ओकरा खुशी के कौन कमी बा? हाँ, हम एकदम खुश बानी। तुम खुश हो? हाँ, हम एकदम खुश बानी। अब रउआ खाना खाली, ना खाएं तब हम दुखी हो जाए। कुछ और चाहिए तो आवाज दे दें। देखिए राजा, मैंने केस की पूरी तैयारी कर ली है। आज आपका तलाक पूरा हो जाएगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बैठिए। ठीक। बैठिए। प्लीज कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, वैवाहिक जीवन आकर्षक और संपूर्णता से परिपूर्ण जीवन है, लेकिन यह तब संभव है जब जीवन सुखदायी हो और इसमें पति पत्नी के बीच में सामंजस्य हो, प्रेम हो, अटूट बंधन हो, विश्वास हो, एक दूसरे के प्रति समर्पित होने की ताकत हो, तब जाकर यह काम पूरा हो सकता है, वरना जीवन कड़वाहट से भर जाएगा। मेरे क्लाइंट मिस्टर यादव ने इस रिश्ते की डोर की बुनियाद को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने अदालत के दिए गए 6 महीने के वक्त को भी बर्बाद करके रख दिया और इन्होंने यह साबित किया मैं जीती भी अपने लिए हूं और किसी का ध्यान नहीं रखती। जज साहब, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस तरह से मिस्टर यादव ने अपनी समझ के साथ दाम्पत्य की डोर को आगे बढ़ाने का काम किया है, मिसेज यादव ने ऐसा काम नहीं किया है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इनमें नारी होने का संपूर्ण गुण कभी विकसित हुआ ही नहीं। ये खाना खाना तो जानती हैं, लेकिन पकाना नहीं जानती। बड़ों का आदर करने के लिए और छोटों को प्रेम देने के लिए इनके पास कोई शब्द नहीं है। ये तो स्पष्ट कहती हैं कि मैंने तो इसकी पढ़ाई ही नहीं की है। जज साहब, आप सोचिए, रिश्तों की डोर को कैसे बांधा जा सकता है? पति पत्नी का रिश्ता आपसी प्रेम को विकसित करने के लिए होता है। पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे का ख्याल रखने वाला होता है, लेकिन इन्होंने एक दूसरे का कभी ख्याल नहीं रखा। आम जीवन में जब इतनी कड़वाहट है तो इनके दाम्पत्य जीवन में कितनी कड़वाहट होगी, ये आप समझ सकते हैं। नतीजा आपके सामने है कि शादी के इतने दिनों बाद भी इनको कोई संतान नहीं हुई। इसलिए मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मोहब्बत सब तो जानती है, लेकिन उन्हें निभाने में इनका पसीना छूट जाता है। ये तो दोस्ती का 10 शब्द भी नहीं जानती। दोस्त एक दूसरे का पूरक होता है, वैसे ही पति पत्नी का रिश्ता होता है। एक दूसरे के कष्ट में साथ देना एक पत्नी का धर्म होता है, लेकिन अपने पति के परेशानी से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये जीती भी अपने लिए हैं और मरती भी अपने लिए हैं। जज साहब, मैं बड़े कष्ट के साथ कहना चाहता हूं, और मैं आपसे अपील भी करना चाहता हूं, यदि इन्होंने मधुर संबंध बनाए होते, यदि हमारे क्लाइंट के साथ इनके रिश्ते विकसित हुए होते, तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन मिसेस यादव ने इसकी कोई परवाह नहीं की है, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो अर्जी मैंने आपके पास लगाई है, उस तलाकनामा पे आप हस्ताक्षर करके इन्हें नई जिंदगी दें। मिसेस यादव, आपको अपने बचाव में कुछ कहना है? नहीं जज साहब। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 धारा 13B के तहत मैं ये फैसला सुनाना चाहता हूं कि मिसेज यादव और मिस्टर यादव के तलाक। आई एम सॉरी जज साहब, हमारे तलाक के लिए जो वकील साहब ने दलीलें पेश की है
मैं उसे सहमत नहीं हूं। राजा, माफ कीजिए वकील साहब, हाँ ये सही है कि हम लोगों ने आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दिया था, लेकिन मुझे तलाक मेरी पत्नी के चरित्र को नीचा दिखा के नहीं चाहिए। नहीं जैसा वकील साहब ने कहा कि मेरी पत्नी को दोस्ती के मायने पता नहीं। मिलाउड, मैं तो यह कहता हूं कि मेरी पत्नी की जैसी दूसरी दोस्त इस दुनिया में हो ही नहीं सकती है। रही बात मेरे परिवार की, तो इस तलाक से मेरे परिवार में कोई खुश नहीं है। मेरे परिवार के लोग इनके स्वभाव से और इनसे इतने प्रभावित हैं कि मेरे दादाजी, मेरे भैया, मेरे भाभी, मेरा भतीजा कोई यहां तक नहीं आया, और जो लोग आए हैं, मेरी मां, मेरे पिताजी, वो लोग इस तलाक से कितने दुखी हैं आप इनकी आंखों में देख सकते हैं। जज साहब, जो औरत मेरे परिवार की खुशियों के लिए अपने सुहाग की बलि चढ़ाने को तैयार है, वो कोई साधारण औरत नहीं हो सकती जज साहब। नहीं चाहिए मुझे तलाक, नहीं चाहिए। बस इतने ना कि तुम आई ना बन सके लो। नहीं के जरूरत हमरा कौन बच्चा के, ऐसे तोहरा पे झूठा इल्जाम लगा के हमके दुनिया के कौनो सुख ना चाहिए भूमि। दुनिया में बहुत ऐसा बच्चा बा जेकर माई बाप नहीं खे, अमनी के कोनो बच्चा के गोद ले लेवे के, लेकिन तोरा ऊपर इतना बड़ लांछन लगा के हमके नहीं खे रहे के। एगो प्रेमिका होखला की नाते
बहुत दुखी बानी, लेकिन एगो औरत होखला के नाते बहुत खुश। औरत के प्रति तोहर ई नजरिया देख के हमरा नजर में तू और भी श्रेष्ठ हो गई। हाँ, हमने के एक दूसरा से प्यार जरूर कहनी जा, लेकिन ऊपर वाला तोहर किस्मत में ई भूमि के भेजले बाड़े, और इनकरा से अच्छा जीवन साथी केहू नहीं हो सकत। खुश रह जा तू दोनों लोग। हाँ, बाय। मिस्टर यादव, आपको तलाक की अब कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जो वैवाहिक जीवन मुझे लग रहा है बहुत सुखमय हो, मतलब विश्वास के साथ ये रिश्ता चलेगा। और हमारी कोर्ट की शुभकामना है कि आपका ये वैवाहिक जीवन मंगलमय हो। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। अरे भाई रुको रुको रुको, कहानी का असली सच ये नहीं है कि भूमि माँ नहीं बन सकती। असली सच ये है कि भूमि ने बच्चा ना होने का नाटक रचा था ताकि राजा को अपना प्यार शिक्षा मिल जाए और दोनों हंसी खुशी जिंदगी में रहें। भूमि की जितनी भी प्रशंसा करें उतनी कम है, क्योंकि उसके दिल में पति के प्रति प्रेम भावना का त्याग मानव संसार में सदियों तक याद रहेगा। धन्यवाद। जन के